HIT दी फर्स्ट केस का ट्रेलर अभी अभी आया और इसके लीड रोल में राजकुमार राव। ये भी पर एक रीमेक है 2020 में आई हुई एक तेलुगु मूवी का। तो चलिए देखते हैं ट्रेलर में क्या है, क्या खास इन्होंने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुलिस वाला कुछ कांड कर दिया। उसे ढूंढने के लिए अपने बेस्ट ऑफिसर को डिप्लॉय करूंगा। बेस्ट ऑफ देयर अ क्लासिक केस ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। पोस्ट ट्रॉमेटिक ऐसा कोई है जिसको पीटी से कुछ प्रॉब्लम हो? नहीं नहीं सर। क्वेश्चन रिंग आपका रियल प्रॉब्लम क्या है? कैसे कैसे कहते हो पास्ट फ्यूचर को लेकर कुछ है? कस्टडी है तेरे तरीके से दोस्त के पास से डाला ब्लू कलर जो ड्राइविंग की है। ब्लू कलर मैंने कुछ 50 शब्दों से बात की हम गाड़ी किसे है कुछ तो कहानी होगा इसका बैक का राजकुमार राव का रोल का। ये समझने वाले समझ गए। उसकी अब बीवी गई, बीवी बोलो गर्लफ्रेंड बोलो जो भी थी चली गई। दूसरे को नहीं खोजे अब अपने पाया तो अब जान लगा दिए ना। ट्रॉमा फील हो रहा है ट्रेलर देख के राजकुमार राव का अंदर वाला। हिला देगा भाई उसका बीवी को कुछ कर दिए तो। ट्रॉमा पेन अच्छा से दिखाया जा रहा है, मैं पहले ही बोला था इसको लेकर। कुछ नहीं होगा उसको, HIT डिफर्ट कोई वाव मोमेंट नहीं था लेकिन थ्रिलर है अच्छा, मेरा फेवरेट टाइप का जॉनर है। जिस मूवी का ये रीमेक है मैंने उस मूवी को नहीं देखा लेकिन ट्रेलर देख के ठीक है वो जो थ्रिल वाला एलिमेंट है वो अच्छा लग रहा है। मतलब फील हुआ कि हाँ कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है। और थिएटर्स में रिलीज होगी शायद 15 तारीख को आने वाली है। मतलब ठीक है लेकिन वो जो दो कैरेक्टर्स को दिखाए उन्होंने इम्फेसिस करके एक लड़की को और एक लड़के को ब्लू शर्ट में, उनको ना दिखाते तो ज्यादा बढ़िया रहता। मतलब सिर्फ उनका ग्लिम्प देख गाड़ी मिल गया, किसके पास मिला क्या मिला वो पिक्चर में दिखाते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि एक सेंस ऑफ कल्पित पता चल जाता है कि वही हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं था, बाकी ठीक है बैकग्राउंड उसको ठीक है। अब रीमेक मैंने देखी नहीं तो मैं उससे कंपैरिजन नहीं करने वाला, लेकिन रीमेक है ये। विकिपीडिया पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको विश्वास नहीं है तो बस ठीक है। विक्रांत रोना का ट्रेलर आएगा शाम को, उसका भी रिएक्शन आपको देखने मिलेगा और रिव्यू भी उसका मिलेगा। इसका तो रिव्यू कोई नहीं खास नहीं है प्लान लेकिन उसका पक्का मिलेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।